पर शामली में चोरी की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। लगातार एक के बाद एक चोरी की घटनाएं वारदात बढ़ती जा रही है। मगर शामली पुलिस ने सिटी शामली में हुई सनसनीखेज चोरी की घटना का खुलासा करते हुए ये बता दिया है कि चोर कितने भी शातिर हो पुलिस की गिरफ्त से बच नहीं सकते। शामली पुलिस ने बीते दिनों शामली सिटी की कॉलोनी अहमदनगर टायर मार्केट में हुई 10 लाख रुपए की चोरी का दो चोरों को माल के साथ गिरफ्तार कर खुलासा कर दिया है। पुलिस ने पिछले माह 7 तारीख 7 महीने 2018 को हबीब रहमान के घर में हुई चोरी का खुलासा कर दिया है। चोरी के दौरान चोर घर से 2.5 लाख रुपए नगद, 1 जोड़ी सोने के कंगन, 2 जोड़ी सोने की झुमके, 2 जोड़ी सोने की बाली, 4 सोने की अंगूठी व 3 किलो चांदी के जेवर ले उड़े थे। इस चोरी की घटना से शहर और प्रशासन में अफरा तफरी मची गई थी। काफी हंगामा भी हुआ था। पुलिस ने चोरों को पकड़ने के लिए दामे गति की थी, जिन्होंने आज कामयाबी हासिल की। पुलिस ने 2 लोगों को चोरी किए गए कुछ आभूषण के और पेशों के साथ गिरफ्तार किया है। वहीं चोर कॉलोनी का ही रहने वाला पड़ोसी निकला, जिसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया था। शामली से हमारे संवाददाता फुरकान जंग की रिपोर्ट, ब्रेकिंग प्लस न्यूज के लिए। थाना कोतवाली क्षेत्र में दिनांक 7/7/18 को एक घर में हबीबुर रहमान, जो भूतपूर्व जेई है आईडी विभाग का, उसके घर में एक चोरी हुई थी, जिसमें 1,60,000 रुपये नगद और जेवर गया था। उसी चोरी की घटना का खुलासा हुआ है, जिसमें 2 अभियुक्त पकड़े गए हैं, शौकीन और आमिर। इनसे माल बरामद हुआ है और ये अथक प्रयास जो है SHO कोतवाली विजेंद्र यादव और जितेंद्र कालरा और सतपाल सिंह, एक टीम बनाई गई थी SSI की और दहिया, इनकी ये सफलता है, जिसमें काफ़ी भारी मात्रा में इनका सारा माल बरामद हो गया है। इसमें एक मुलजिम जेल में चला गया है, जो जेल से उसका रिमांड लिया जाएगा और बाकी और जितनी भी वो हैं वो खोली जाएगी। सर, इसमें ये बताइए कि कितने मुकदमे दर्ज हैं इन लोगों पर और कहाँ कहाँ घटनाएं की? इसमें शौकीन पे 12 है, इसके खिलाफ 12 मुकदमे, अपराध संख्या जो ये है इसमें दिया है, ये 12 मुकदमे इसके खिलाफ कायम है और आमिर के खिलाफ 4 मुकदमे कायम है। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल